नमस्कार दोस्तों, क्लासिक अकेडमी भिवानी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्यारे दोस्तों, एडवांस मैथ की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। एक छोटा टॉपिक आपको डेली कुछ ना कुछ करवाएंगे, ठीक है। प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम ज्योमेट्री से। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ज्योमेट्री की जो सबसे यूनिट छोटी यूनिट होती है उसको बोलते हैं हम पॉइंट, बिंदु। अब बिंदु के ऊपर किस किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं, तो बिंदु के ऊपर प्यारे बच्चों दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं, कोण से रिलेटेड और दूसरा बनता है रेखाओं से रिलेटेड, ठीक है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले याद रखना कि बिंदु होता क्या है। बिंदु यानी कि पॉइंट, एक ऐसी आकृति जिसकी न तो लंबाई न ही चौड़ाई न ही ऊंचाई निश्चित हो, उस आकृति को हम बोलते हैं पॉइंट यानी कि बिंदु, ठीक है। अब बिंदु के ऊपर प्रश्न बनते हैं रेखाओं को कोण से रिलेटेड, तो रेखाओं से संबंधित बिंदु के ऊपर किस किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, उसमें सबसे पहला प्रश्न बनता है रेखाओं से। अब रेखाओं से रिलेटेड कैसे प्रश्न पूछेगा एग्जाम में, तो देखो सबसे पहले आपसे पूछेगा, अगर आपके पास एक पॉइंट है, अगर आपके पास एक पॉइंट है तो आप इससे कितनी रेखाएं खींच सकते हैं, तो हम बोलेंगे एक पॉइंट से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, एक बिंदु से ऊपर अनेक रेखाएं आप खींच सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास ये बिंदु दिए गए हो दो, तो दो बिंदुओं से केवल एक ही सीधी रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। एक बिंदु से आप अनेक रेखाएं खींच सकते हो, लेकिन अगर आपके पास दो पॉइंट दिए गए, दो बिंदु दिए गए हैं, तो दो बिंदुओं से ऊपर केवल एक ही सीधी रेखा खींची जा सकती है। अगर प्यारे दोस्तों बिंदु तीन या तीन से अधिक देता है, तो आपको एक शब्द का ध्यान रखना है, वो शब्द है संरेख यानी कि कोलिनियर। अगर बिंदु कोलिनियर दिए गए हैं तो आप एक रेखा खींच सकते हो, अगर बिंदु कोलिनियर नहीं है तो आप कोई भी रेखा नहीं खींच सकते। जैसे एग्जाम में आपसे पूछ ले भाई तीन बिंदु संरेख है तो उनसे कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, तो तीन बिंदु संरेख है, संरेख का मतलब ही होता है एक रेखा, ठीक है। तो यहां पर आप एक रेखा खींच सकते हो, लेकिन अगर आपको बोलता है कि तीन बिंदु उनसे कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो हम बोलेंगे कोई भी रेखा नहीं खींची जा सकती, ठीक है। अगर मान लिया वे संरेख है तो एक रेखा खींची जा सकती है, अगर मान लिया वे संरेख न हो तो हम बोलेंगे कोई भी रेखा नहीं खींच सकते, ठीक है। तो बिंदु के ऊपर रेखाओं से संबंधित तीन ही प्रश्न आपसे पूछ सकता है, ठीक है। पहला प्रश्न, एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, तो हम बोलेंगे अनेक रेखाएं खींची जा सकती है। अगर दो बिंदुओं की बात करें तो दो बिंदुओं से केवल एक ही सीधी रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। और अगर बिंदु तीन या तीन से अधिक दिए गए हैं तो हम बोलेंगे खींची भी जा सकती है और नहीं, ठीक है। इसके बाद प्यारे दोस्तों इसके ऊपर प्रश्न बनता है बिंदु के ऊपर कोण से रिलेटेड, ठीक है। तो याद रखना किसी भी पॉइंट के ऊपर, मतलब किसी भी पॉइंट के चारों कोण अगर आप चक्कर लगाते हो तो आप टोटल 360 डिग्री का एंगल कवर करते हो, ठीक है। ये जो एंगल है 360 डिग्री का, मतलब किसी भी बिंदु के चारों कोण टोटल 360 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। इस एंगल को 6 भागों में बांटा गया है। इस एंगल को कितने भागों में बांटा गया है, 6 भाग, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इस बिंदु के जो भाग हैं वे कौन कौन से हैं, कि कौन कौन से कोणों के आधार पर इसको बांटा गया है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आपको पता है कि एक बिंदु के ऊपर टोटल 360 डिग्री का एंगल होता है, और इसको हम 6 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं, 6 भागों में, ठीक है। सबसे पहला होता है न्यून कोण, न्यून कोण जिसको आप एक्यूट एंगल बोलते हो, एक्यूट एंगल, ठीक है। ये एंगल होता है 0 से बड़ा और 90 से छोटा, मतलब अगर कोई भी एंगल 0 और 90 के बीच में है तो उसको हम बोलेंगे न्यून कोण। क्या बोलेंगे उसको हमें, न्यून कोण, ठीक है। दूसरा होता है दोस्तों समकोण, जिसको आप राइट एंगल बोलते हो, समकोण, ठीक है। ये होता है पूरा 90 डिग्री का एंगल, जो 90 डिग्री का एंगल होता है कंप्लीटली, उसको हम बोलते हैं समकोण, ठीक है। और तीसरा होता है अधिक कोण, अधिक कोण जिसको आप ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हो, ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण। ये होता है 90 से अधिक और 180 से कम, मतलब अगर कोई भी कोण आपके पास 90 और 180 के बीच में है तो हम उसको बोलेंगे अधिक, ठीक है। इसके बाद होता है एक तो होता है हमारे पास ऋजु कोण, ठीक है, ऋजु कोण, ठीक है। इसको हम सरल कोण भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं इसको हमें, सरल कोण, ठीक है। ये होता है 180 डिग्री का एंगल, 180 डिग्री के एंगल को हम ऋजु कोण या सरल कोण दोनों ही बोल सकते हैं, ठीक है। पांचवा होता है दोस्तों प्रतिवर्ती कोण, इसको वृत्त कोण भी बोला जाता है, वृत्त कोण, रिफ्लेक्सिव एंगल, ठीक है। तो कई बार पूछ लेता है रिफ्लेक्सिव एंगल क्या होता है, तो आप लोग बताओगे 180 से अधिक और 360 से कम,
मतलब अगर कोई एंगल 180 और 360 के बीच में है तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव एंगल प्रतिवर्ती कोण, इसको वृत्त कोण भी बोला जाता है, याद रखियो वृत्त कोण, ठीक है। और लास्ट होता है प्यारे दोस्तों संपूर्ण कोण, जिसको हम कंप्लीट एंगल बोलते हैं, ये होता है 360, ठीक है। तो बिंदुओं से संबंधित प्यारे दोस्तों दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं, एक रेखाओं से रिलेटेड और दूसरा बनता है कोणों से रिलेटेड, ठीक है। तो याद रखना बिंदु के आधार पर कोण को 6 भागों में डिवाइड किया गया है, बिंदु के आधार पर कोणों को 6 भागों में डिवाइड किया गया है, न्यून कोण 0 और 90 के बीच में, समकोण कंप्लीट पूरा 90 डिग्री का, अधिक कोण 90 और 180 के बीच में, सरल कोण रिजुम कोण 180 डिग्री, ठीक है, प्रतिवर्ती कोण 180 और 360 डिग्री के बीच में, और एक होता है कंप्लीट एंगल 360 डिग्री, ठीक है। ये होते हैं बिंदु के आधार पर कोण। और रेखाओं से रिलेटेड मैंने आपको बता दिया, आपसे पूछ सकता है एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, अनेक, दो बिंदुओं से केवल एक ही सीधी रेखा, तीन बिंदु आते हैं खींची भी जा सकते हैं नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिंदु के बाद जो हमारी अगली इकाई बनती है वो बनती है सेट्स ऑफ पॉइंट, मतलब बिंदुओं का समूह। अगर हम बिंदुओं को जोड़ना शुरू करें तो किस किस प्रकार की आकृति बनती है, ठीक है। तो बिंदुओं को अगर हम बात करें बिंदुओं की के समूह की, सेट्स ऑफ पॉइंट बिंदुओं का समूह, तो बिंदुओं को आप चार प्रकार से एकत्रित कर सकते हो, इकट्ठा कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले है गोलाकार रूप में, तो गोलाकार रूप में तो आपको पता है कि सर्कल का रूप ले लेगा, ये अलग से टॉपिक आएगा, मैं इसके बारे में आपको पढ़ाऊंगा। वृत्त, अगर आप बिंदुओं को गोल गोल रूप में अरेंज करते हो तो यहाँ से हमारे पास ये बनेगा वृत्त यानी कि सर्कल, ठीक है। अगर आप बिंदुओं को सीधा सेट करते हो तो यहाँ से तीन आकृतियां बनती है हमारे पास, कितनी आकृतियां बनती है, तीन, उसमें एक होता है आपके पास रेखा, एक होता है किरण और एक होता है रेखा। बिंदु के बाद जो हमारे पास ज्योमेट्री की अगली यूनिट है वो तीन है, रेखा किरण और रेखा, ठीक है, सेट्स ऑफ पॉइंट्स बिंदुओं का समूह, ठीक है। अब रेखा क्या होती है, तो याद रखना दोस्तों रेखा बिंदुओं का ऐसा समूह होती है जिसको आप दोनों साइड बढ़ा सकते हैं, रेखा को दोनों साइड बढ़ाया जा सकता है, अर्थात दोनों साइड बिंदु ऐड कर सकते हैं उसके, ठीक है। या हम ये भी बोल सकते हैं कि रेखा का कोई भी आरंभिक और कोई भी अंतिम पॉइंट नहीं होता, ठीक है, आरंभिक और इसके अंतिम पॉइंट नहीं होते, इसको हम बोलते हैं रेखा, या अपनी भाषा में हम इसको दोनों साइड बढ़ा सकते हैं, ठीक है। या आप ये भी बोल सकते हो इसकी लंबाई निश्चित नहीं होती, ठीक है। दूसरा होता है किरण, किरण का केवल आरंभिक पॉइंट होता है, इसको हम एक साइड बढ़ा सकते हैं, इसका इनिशियल पॉइंट होता है दोस्तों, आरंभिक पॉइंट होता है लेकिन इसका अंतिम पॉइंट नहीं होता, अर्थात हम ये भी बोल सकते हैं कि किरण को केवल एक ही साइड बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तीसरा होता है रेखाखंड, रेखाखंड का आरंभिक और अंतिम दोनों पॉइंट होते हैं, इसको हम किसी भी साइड नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। याद रखना रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है, ठीक है, रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है, इसका आरंभिक पॉइंट भी होता है अंतिम पॉइंट भी होता है, ठीक है। लेकिन रेखा का कोई भी आरंभिक और अंतिम पॉइंट नहीं होता, किरण का केवल आरंभिक पॉइंट होता है और इसके दोनों ही पॉइंट होते हैं आरंभिक भी और अंतिम भी। या रेखा को हम दोनों साइड बढ़ा सकते हैं, किरण को एक साइड बढ़ा सकते हैं, रेखाखंड को एक भी साइड बढ़ाया नहीं जा सकता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिंदु से स्टार्ट किया था, सेट्स ऑफ पॉइंट लिया यानी कि बिंदुओं का समूह, तो तीन आकृतियां बनती है रेखा किरण और रेखाखंड, ठीक है। इसके बाद एक रेखा से चलते हैं दो रेखाओं, अगर आपको कोई ये पूछे कि आपको दो लाइन खींचनी, तो दो लाइनों को हम तीन प्रकार से खींच सकते हैं दोस्तों, कितनी प्रकार से खींच सकते हैं, तीन प्रकार से। अब तीनों के नाम क्या क्या है, कैसे कैसे खींच सकते हैं वो देखिए, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे नॉर्मली रेखा का जो प्रयोग कर रहा हूँ रेखाखंड के लिए कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ, रेखाखंड का। आम बोलचाल की भाषा में हम जब रेखा का जिक्र करते हैं, हालांकि हमें पता है जैसे हम बोलते हैं कि 5 सेंटीमीटर लंबी रेखा ली, हालांकि वो रेखा नहीं होती क्योंकि लंबाई निश्चित है, वो रेखाखंड होता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आम बोलचाल की भाषा में रेखा का मतलब रेखाखंड से ही होता है, ठीक है। याद देखो, अगर मान लिया मैं ये दो रेखाएं लेता हूँ, ठीक है, तो इनके बीच की अगर मान लिया बाई चांस डिस्टेंस हर स्थान पर बराबर रहती है तो इसको हम बोलते हैं समांतर रेखा, ठीक है। अगर आपको बोले कि आप दो रेखाएं खींचिए तो सबसे पहला आपका ऑप्शन होगा कि आप पैरेलल खींच सकते हो। अब पैरेलल लाइन क्या होती है, तो याद रखना समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जिनके बीच की डिस्टेंस हर जगह पर हर स्थान पर बराबर रहती है, उसको हम बोलते हैं समांतर रेखा, ठीक है। और याद रखना इसके ऊपर एक ही प्रश्न बनता है एग्जाम में कि समांतर रेखाएं अनंत पर मिलती हैं, समांतर रेखाएं अनंत पर मिलती हैं, समांतर रेखाएं
अनंत पर मिलती है। ये बात बिल्कुल सत्य है दोस्तों, ठीक है, बिल्कुल सत्य है, सही है। अब ये मत बोलना कि सर समांतर रेखाएं कहीं पर नहीं मिलती, इसने बोला है कि अनंत शब्द का प्रयोग किया है। अब आपको पता है कि अनंत कोई स्थान नहीं होता, अनंत होता सिर्फ आभास, ठीक है, मिले तो तब गिने जब अनंत आओ, यहाँ पे अनंत आना नहीं तो इसका मतलब ये मिलनी भी नहीं है, ठीक है। तो याद रखना कि समांतर रेखाएं अनंत पर मिलती हैं, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अनंत का मतलब होता है आभास। जैसे हम रेल की पटरियों के बीच अगर खड़े होकर अगर उन पटरियों को देखें, हालांकि वे हर जगह पर पैरेलल है तो वे अभी मिलती हुई प्रतीत होगी, ठीक है। इसलिए याद रखना समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती हैं, ठीक है। फिर सुनो ध्यान से, समांतर रेखाएं अगर आपसे पूछे कि क्या होती हैं, तो आप बोलना कि समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जिनके बीच की डिस्टेंस हर जगह पर बराबर होती है, ठीक है। दूसरी बात, अगर बात करें प्रश्न की, तो समांतर रेखाओं के ऊपर एक ही प्रश्न बनता है कि समांतर रेखाएं अनंत पर मिलती हैं, ये बात बिल्कुल सही है, याद रखना, ठीक है। हाँ, अगर अनंत शब्द का प्रयोग यहाँ पे नहीं करता तो हम बोल सकते थे ये गलत है, ठीक है, क्योंकि समांतर रेखाएं कभी नहीं मिलती, लेकिन यहाँ पर उसने एक शब्द का प्रयोग किया अनंत। अब आपको पता है ये अनंत आना को नहीं, इसलिए मिलने की को नहीं, ठीक है। तो याद रखना समांतर रेखाएं अनंत पर मिलती है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। इसके बाद संख्याओं को, सॉरी रेखाओं को, दूसरा जो तरीका है खींचने का, दो रेखाएं आप किस प्रकार से खींच सकते हो, तो उसको आप उपरत नहीं खींच सकते, इसी के ऊपर दूसरी लाइन, इसको हम बोलते हैं संपाती, ठीक है, संपाती, संपाती रेखा, संपाती का मतलब होता है एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा, ठीक है, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा, तो ये होता है दूसरा केस, यानी कि संपाती, ठीक है। तीसरा होता है प्यारे दोस्तों प्रतिच्छेदित रेखाएं, मतलब अगर आप दो रेखाओं को इस प्रकार से खींचते हो कि जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट, यानी कि काट के जाए, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं इसको, ठीक है, जब दो लाइन एक दूसरे को काटते हैं तो इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदित रेखा, ठीक है, समझ में आया सभी को, क्या बताया मैंने। अगर आपके पास दो लाइन है, कोई भी आपको ये बोलता है कि आप दो रेखाएं खींचिए, तो आप कितनी प्रकार से खींच सकते हो, तीन प्रकार से, ठीक है। उसमें सबसे पहला आपका होगा दोनों की दोनों लाइन आप पैरेलल खींच सकते हो, दूसरा केस होगा एक के ऊपर दूसरी खींच दो, इसने बोला गया मैथ की भाषा में संपाति, और तीसरा होता है प्यारे दोस्तों इंटरसेक्टिंग, दो लाइन आप इस प्रकार से खींच सकते हो जो एक दूसरे को काट के जाए, ठीक है। इस प्रकार से आप तीन प्रकार से दो रेखाओं को खींच सकते, ठीक है। प्यारे बच्चों आज की क्लास बिल्कुल मैं शॉर्ट में ही यहीं पर खत्म करता हूं, अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो कमेंट करिए, और इसलिए फिर अगली क्लास में यहीं से स्टार्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे, धन्यवाद।